తెలంగాణలో ఇప్పటికీ దాకా బీఆర్ఎస్ అవినీతికి పాల్పడితే తాజాగా తమ వంతు వచ్చిందని కాంగ్రెస్ భావిస్తోందని ప్రధాన మోడీ ఆరోపించారు నాగర్ కర్నూల్లో నిర్వహించిన బీజేపీ బహిరంగ సభ బిఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ లో ఆయన విరుచుకుపడ్డారు తెలంగాణ ప్రజలకు కలలను పదేళ్లుగా బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ చిదిమి వేశాయని అన్నారు తెలంగాణను నాశనం చేసేందుకు కాంగ్రెస్ కు ఐదేళ్లు చాలని అన్నారు ప్రధాన మోడీ ऑफ साउथ कहा जाता है पिछले दस वर्षों में तेलंगाना का विकास ये एनडीए की मोदी की प्राथमिकता रहा है लेकिन इन दस वर्षों में हमने ये भी देखा कि कैसे तेलंगाना चक्की के दो पार्टों में पीसता रहा है एक पार्ट कांग्रेस का और दूसरा पार्ट बीआरएस का। कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को हर सपने को चकनाचूर कर दिया है और अब तो मुश्किल ये है कि यहां कांग्रेस के पंजे का कब्जा हो गया है पहले बीआरएस की महालूट और अब कांग्रेस की बुरी नजर ये वैसे ही हालत है जैसे कि कुएं से निकले खाई में गिरे कांग्रेस के लिए तो पूरा राज्य तबाह करने के लिए पांच साल भी बहुत है जब यहां ज्यादा संख्या में बीजेपी सांसद चुन करके आएंगे तो कांग्रेस को भी अपनी मनमानी करने में बहुत मुश्किल होगा और इसलिए इस बार तेलंगाना में सभी लोकसभा की सीट भाजपा का कमल खिलना चाहिए और आपको एक बात और भी याद रखनी है तेलंगाना के लोगों की बात सीधी मुझ तक दिल्ली में पहुंचे इसके लिए मुझे यहां सभी सांसद जीत करके आए तो बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी ताकि मैं आपकी अच्छी सेवा कर सकूं जब यहां बीजेपी के सांसद होंगे तो आपकी तकलीफ आपकी आशा आकांक्षा ज्यादा तेजी से मुझ तक पहुंच पाएगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर अपेक्षा पूरी करने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा।